रंगरा पीएचसी में कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए दिया गया प्रशिक्षण। रंगरा पीएचसी में कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन के पूर्व और वैक्सीनेशन के बाद की सावधानियों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में वैक्सीनेशन से संबंधित सामानों के रखरखाव के बारे में भी खास प्रशिक्षण दिया गया। पीएचसी प्रभारी ने कहा कि रंगरा पीएचसी वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जल्द ही पीएचसी स्तर से वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति देखी गई। विवेकानंद की जयंती पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विस्तार केंद्र रंगरा द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एबीवीपी के अनुज चौरसिया, एसके कोचिंग सेंटर के निर्देशक श्रवण कुमार साह ने विवेकानंद जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुष्पांजलि, दीपोत्सव एवं छोटे छोटे बच्चों का भाषण प्रतियोगिता आयोजित किया गया। भाषण प्रतियोगिता में किट्टू, मनीषा, अंश एवं सक्षम ने भाग लिया। कार्यक्रम में अनुराग कुमार आर्य, प्रियतोष कुमार सिंह, सुजीत कुमार, बेचन कुमार, सोनू कुमार, सागर कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे। रंगरा पुलिस ने मास्क न पहनने वाले कुल 8 लोगों से वसूल किया 400 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस द्वारा चलाए गए मास्क जांच अभियान में कुल 8 लोगों से 400 रुपये जुर्माना वसूला गया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और कुमादपुर चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया था। थानाध्यक्ष ने कहा कि आए दिन सघनता पूर्वक मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से निकलें तो मास्क अवश्य ही पहन लें। मारपीट मामले में फरार वारंटी को रंगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर मारपीट मामले में फरार चल रहे वारंटी भवानीपुर गांव के पंकज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष महताब आलम ने कहा कि पंकज यादव के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानतीय वारंट निर्गत था। गुप्त सूचना के आधार पर पंकज को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है।